हेलो एवरीवन, आज हम अपने डिस्क्रीट की बुक का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन ए आर फ्रॉम एन यूनियन जीरो टू आर, मतलब जिसकी डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, और उसकी रेंज क्या हो, हमारे पास कोई भी रियल नंबर, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस। वेयर ए नॉट ए वन ए टू आर न्यूमेरिक फंक्शंस फॉर वैल्यूज जीरो वन टू एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ए आर की वैल्यू है हमारे पास टू रेस टू पार आर। हम इसको डिफाइन करेंगे, ए आर की वैल्यूज कौन कौन से आएंगे। आर की फर्स्ट वैल्यू क्या है, जीरो। सबसे पहले हमने पुट करना है डोमेन में से जीरो। जब जीरो पुट करेंगे तब टू रेस टू पार जीरो, समथिंग रेस टू पार जीरो, आंसर वन। सेकेंडली हम क्या पुट करेंगे, वन, तब आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, टू। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे आर की टू, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा टू रेस्ट बट टू फोर एंड सो ऑन। अब हमारे पास वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, सपोज अ पर्सन डिपॉजिट रुपीज 100 इन बैंक एट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द न्यूमेरिक फंक्शन फॉर एन अमाउंट ऑफ एनी ईयर। एक पर्सन है जिसने 100 रुपीज दिए बैंक को, वो उस पे बैंक उसको दे रहा है इंटरेस्ट 5% पर ईयर के लिए कंपाउंडेड एनुअली। हमने उसका न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड करना है। अब हमारे पास गिवन है कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली के लिए हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेस टू पार आर, वेयर आर क्या होगा हमारा, आर एथ ईयर। वैल्यूज पुट करते हैं, ए को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहां पर ए आर से, न्यूमेरिक फंक्शन लिख लिया ए आर। प्रिंसिपल हमारे पास क्यों है 100, रेट की वैल्यू है हमारे पास 5% अपॉन 100 रेस टू पार आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 1.05 रेस टू पार आर। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे न्यूमेरिक फंक्शन की। सबसे पहले हम पुट करेंगे ए ऑफ वन की, ए वन के लिए हम आर की वैल्यू यहां पर क्या पुट कर देंगे, वन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 1.05 रेस टू पार वन, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 105। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई, 105। साथ ही यहां पर लिख देते हैं ए आर, फर्स्ट ईयर के लिए क्या आ गई, 105। नाउ सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट करते हैं ए टू, 100 1.05 रेस टू पार 2, इसके लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 110.25। तो सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 110.25। सिमिलरली फॉर थर्ड ईयर फाइंड करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 115.76 एंड सो ऑन। अब हम हमसे वो किसी भी ईयर के लिए पूछ ले, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, हम उसकी वैल्यू बता देंगे। अब आप लोगों में से कईयों को कंफ्यूजन होगी कि हमने डोमेन में तो जीरो लिया था पर यहां पर जीरो पुट नहीं किया। अब देखो, अगर मैं यहां पर जीरो पुट कर दूं, यहां पर जीरो पुट कर दूं, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, समथिंग रेस टू पार जीरो वन, हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 100। इसका मतलब तो यही हुआ, हमने बैंक में अकाउंट डिपॉजिट ही नहीं करवाई 1 ईयर के लिए, तो हमारे पास इंटरेस्ट किस बात का आएगा। तो इसके लिए हम आर की वैल्यू कहां से शुरू करेंगे, 1 से। अब हम इनके कुछ ऑपरेशंस की बात करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑपरेशन है ए आर प्लस बी आर, मतलब उसका सम फाइंड करो, दूसरा है उनका प्रोडक्ट फाइंड करो, तीसरा क्या है 2 into AR, मतलब ए आर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके बताओ। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए आर प्लस बी आर, उसके लिए हमें कुछ चाहिए, ध्यान से सुनना, हम इन दोनों की डोमेन को सेम रखने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है, 0 से 3, 0 से 2, दोनों में से छोटा कौन है, 0 से 2 वाला, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 0 less than equal to r less than equal to 2। 0 से 2 के लिए भी r की वैल्यू क्या है, 1, तो यहां पर लिख देंगे हम 1। उसके बाद r is equal to 3 वाला अलग हो गया, उसके लिए अलग लिख लो, r is equal to 3 के लिए फिर ar की वैल्यू क्या है, 1। सिमिलरली उसके बाद r is greater than equal to 4 के लिए r की वैल्यू क्या है, r।
उसके बाद br को भी ऐसे हम डिफाइन करेंगे, br की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू के लिए तो सेम है, 1 उसके बाद 3 के लिए अलग से डिफाइन करेंगे, r इज इक्वल टू 3 के लिए, जब r की वैल्यू क्या होगी 3, उसके लिए हमारे पास br की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 2 5। नेक्स्ट व्हेन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी सेम। यही था हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद सम करते हैं, सबसे पहले ए आर प्लस बी आर, ए आर प्लस बी आर का सम देखो, पहले 0 से 2 के लिए, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू के लिए ए आर की भी वैल्यू 1, बी आर की भी वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2। सेकेंडली व्हेन आर इज इक्वल टू 3, ए आर की वैल्यू 1 प्लस बी आर की वैल्यू 5, आंसर आ गया हमारे पास 6। उसके बाद आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, आर प्लस आर प्लस 2, तो आंसर क्या आ गया 2R प्लस 2। तो ये हुई एक बात। अब हम करते हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में बात, AR इंटू बी आर, ए आर इंटू बी आर, प्रोडक्ट में भी डोमेन तो सेम ही रखनी है, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू 2। अब AR और BR का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या है 1, तो प्रोडक्ट करके भी आंसर क्या आ जाएगा 1। सेकेंडली जब R की वैल्यू 3 होगी, R इज इक्वल टू 3, तो AR की वैल्यू 1 और br की वैल्यू 5, 1 इंटू 5 5। एंड लास्ट व्हेन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अब देखते हैं, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ar की वैल्यू r और br की वैल्यू r प्लस 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा r इंटू r प्लस 2। तो लास्ट हमारे पास है 2 इंटू ar। थर्डली हम फाइंड करते हैं 2 इंटू ar, ये तो सिंपल है, ए आर को हम सिंपली क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 3, फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई 2 आर।